विंडो की आर प्रेस करेंगे और फोटोशॉप लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो एडोब फोटोशॉप खुल जाएगा। ठीक है, 7.0 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये 7.0 जो बातें मैंने पढ़ाई थी वो दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल एन करेंगे तो एक न्यू फाइल आ जाती है। ठीक है, इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, जैसे तुमने रख दिया आयान फर्स्ट फाइल। ठीक है, या फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। और मैंने कहा था कि ये वाला जो है 1024786 ये फुल स्क्रीन होता है और आप ओके कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, यहाँ फाइल में जाके सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, न्यू कर सकते हैं, दोबारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल एन करूँ और कोई कलर में आए चीज़ ना, तो आप यहाँ जो है बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये देखो, यहाँ पर ये हुआ वाइट। ठीक है, अभी ये वाइट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज किया, आपने इसके कर दिए ग्रीन, और मैंने आपको बताया एक छोटा सा जो एरो दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड कलर है यानी फ्रंट का, और ये बैकवर्ड कलर है बैक का, इसको रिवर्ट कर रहा है। ठीक है, अब बैकवर्ड कलर कौन सा है, ये। अब आपने जब न्यू फाइल ली यहाँ से और आपने इसको कर दिया बैकग्राउंड कलर, तो कैसा आएगा, वो ग्रीन आएगा ना। ठीक है, आई समझ में ये बात। वाइट लेना यहाँ पर आ गया, आपने इसको ओके कर दिया, कंट्रोल एन किया, सेट हुआ हुआ ये साइज़। ठीक है, और ये बात याद रखना, यहाँ से अगर ये बिगड़ जाती है पिक्सल में रहेगा, कभी कभी हम इंचेस में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये पिक्सल्स में, इंचेस बहुत बड़ा हो जाएगा 1024, तो ये पिक्सल्स है। यहाँ पर 72 रहेगा, RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGB कलर वो कलर होते हैं तीन, रेड ग्रीन ब्लू, इन कलरों से दुनिया के ऑल कलर्स बने। क्या हुआ, इन तीन कलरों से दुनिया के ऑल कलर्स बनते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वाइट कंटेंट, यानी वाइट पे ना, वाइट आना चाहिए, ओके कर दिया तो वाइट ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ कलर चेंज भी रखता तो भी मैं वाइट पे क्लिक करता वाइट ही आता। इसको कहते हैं कैनवस, CANVS, कैनवस साइज बढ़ाया मैंने। क्या किया, कैनवस साइज बढ़ाया मैंने, ये कैनवस का जो है मैंने साइज बढ़ा दिया ये। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से ये टूल्स अगर बंद हो जाए, ठीक है, देखो विंडोज़ के अंदर हम जाते हैं, यहाँ से ये टूल्स चले गए, यहाँ पर जाते हैं ऑप्शंस चले गए, यहाँ पर जाते हैं स्टेटस चले गए, स्टेटस बार भी गया, तो ये विंडो में जाके ओपन होंगे। यहाँ जाओगे आप, सबसे पहले स्टेटस बार खोले दोगे, आपको बता कुछ इन्फॉर्मेशन देती है स्टेटस बार। टूल्स खोलो आप, सबसे पहले टूल्स को आप यहाँ फिट कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप खोलो स्टाइल्स, और आपको याद होगा बहुत अच्छे से मैंने आपको स्टाइल अपेंड करना सिखाए थे, यहाँ कॉर्नर में गए थे, और यहाँ से ये जैसे मैं कहता था गिलास बटन, और इसको कर देंगे अपेंड, तो इसके अंदर ये और आ गए नीचे ना, देखो गिलास स्टाइल आ गया सारा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो हमारे पास पैनल होता है, वो होता है कौन सा, लेयर का, गेरा लेयर्स ये। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे ये लेयर जो है ना, और यहाँ से जो है हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। अब न्यू लेयर क्या है बता देता हूँ सारा। और एक और चीज़ जो है, यहाँ से ऑप्शंस बंद है ऑप्शन, तो ये देखो ये ऑप्शन आ गया, तो आप इसको जो है थोड़ा नीचे कर लो। तो हर सॉफ्टवेयर जो होता है ग्राफिक्स का, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसके टूल्स। टूल्स को इस्तेमाल करना सीखो, फिर बाद में ऑप्शंस पे आया जाता है। यहाँ टूल्स नहीं है, टूल्स ये नहीं। ठीक है, टूल्स इस्तेमाल कर लो, फिर ऑप्शंस इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये आ गया, आपको 80% जो ये सॉफ्टवेयर चलाना आ गया। ग्राफिक्स के आप सॉफ्टवेयर्स खोलोगे उसमें टूल्स होंगे, कोई कोडिंग वगैरह नहीं होगी। लेकिन अब न्यू एडोब फोटोशॉप आया है पेड वर्जन, अगर आप वो ले लेते हो तो आपकी कोई पिक्चर है ना, तो उसके नीचे प्रॉम्प्ट देने का दे रहा है, तो आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो वो ऑटोमेटिक AI से उसको चेंज कर देगा। हाँ, तो ये आपकी जो इमेज जिस पर आप काम कर रहे हो, तो उसका आपको कपड़ों का कलर चेंज करना है, तो AI वाला आप एडोब फोटोशॉप परचेज कर सकते हो नेट से। तो मतलब हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी, फिर आप रियल वर्क काम कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं काम कर सकते। ठीक है, अब आप कहोगे फ्री फ्री फ्री, तो आप ये बात याद रखो कि अभी आप कोई कोर्स करते हो जॉब के लिए, डायरेक्ट जॉब पे आप नहीं जा सकते, उसके लिए आप एक कोर्स करते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो, फिर उसके बाद आपको जॉब मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से आप जब पेड टूल्स यूज़ करते हो तब आपको अच्छा काम मिलता है। काम आपने पकड़ लिया, टूल्स आपके पास पेड है नहीं, काम आपने अच्छा करके नहीं दिया दुकान पर, तो कंजूसी नहीं करनी होती इन चीज़ों में, पेड टूल्स खरीदने होते हैं। अगर आपका एडोब फोटोशॉप का काम है तो आप एडोब फोटोशॉप के पेड टूल्स खरीदो, पैसे दो अंग्रेज को या जो भी है, बहरहाल उनको खरीदो,
चैट जीपीटी का आपका ज़्यादा काम है, टेक्स्ट बेस का, इमेजेस का, तो आप वो खरीदो। बहुत सारे एआई टूल्स हैं, बहुत सारे, सैमब्रश है, मॉज है, ये एसईओ टूल्स हैं, इनको पेड ही करा सकते हो, फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड वगैरह उन्होंने बताया होगा एसईओ वालों ने, जो तुम कोर्स कर रहे हो डिजी स्किल पे, उसने बताया होगा सैमब्रश है, मॉज है, यूस्ट है, ये सब होते हैं एसईओ के टूल्स वगैरह होते हैं, ये पेड कराने पड़ते हैं, शुरू में तो फ्री काम करेंगे, ठीक है। तो अब आप जब है ना जेड दबाते हो, क्या दबाते हो, जेड, तो आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, जूम हो जाता है, जबकि आप फिट टू स्क्रीन करते हो तो ये स्क्रीन पे फिट हो जाती है, और अगर आप एक्चुअल साइज करोगे तो ये साइज आ जाएगा, तो फिट टू स्क्रीन बेस्ट है। फिर भी आप इसका यहाँ से थोड़ा सा कैनवस बढ़ा लो, ताकि कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो ये एरिया तंग ना करें। जेड से आपने जूम किया, अगर आप ऑल दबाओगे तो माइनस दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टी पे क्लिक किया और यहाँ लिख दिया अयान, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसी के साथ ही जावेद लिख दिया, और पिक टूल हमें दबाना है इसको ख़त्म करने के लिए, वो नहीं एडिट मोड में रहेगा। अब देखो यहाँ से हम आएंगे, ये उठ रहा है, पता ये क्यों उठ रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट लेयर, ये है लेयर्स, जितना हम काम करोगे यहाँ दिखता जाएगा आपको, लेयर्स बनती जाएंगी। तो अब देखो आप ये नहीं उठेगा, अब देखो आप ये क्या होगा, मैं ऑटो सिलेक्ट लेयर को मैंने हटा दिया, तो अब मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे हूँ, किस पे, तो अब देखो मैं जावेद जो अयान जावेद लिखे हैं, नहीं उठ रहा ना। अच्छा जब मैं इस लेयर पे आऊँगा तब उठेगी अभी लेयर, अब मैं अगर बैकग्राउंड भी उठाऊँगा तो ये उठेगा क्योंकि लेयर, लेकिन हम कहते हैं ऑटो सिलेक्ट लेयर। अब मैं आपको समझाने के लिए एक और चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली रजा, ठीक है। अब क्या है कि मुझे, मैं कौन सी लेयर पे हूँ, अयान जावेद की, अब मैं उठाऊंगा अली रजा लेकिन उठेगा अयान जावेद, अब मैं अली रजा वाली पे हूँ तो अली रजा तो उठ रहा है, लेकिन मैं अयान जावेद उठाऊँ तो भी अली रजा मूव कर रहा है, तो इसी से बचने के लिए, ठीक है। अब देखो इधर देखो, यहाँ पर लिखा अली रजा, मैं अयान जावेद पे क्लिक कर रहा हूँ, ये उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये वाली लेयर को, अयान जावेद वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रहा, मुझे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब बहुत सारी लेयरें हो गई तो बार बार जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम कहते हैं ऑटो सिलेक्ट लेयर। इससे क्या होता है, देखो मैं अयान जावेद वाली पे करूँगा, यहाँ ज़रा देखना क्या होगा, ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट, तो फिर ये अब इससे हम कोई सी भी लेयर उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि अब जितनी ज़्यादा लेयर पे आप काम करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अब दोबारा आपको इसको एडिट करना है तो आप क्या करोगे, टी पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल एक्स कट कर दोगे, फिर दोबारा पिक टूल दबाओगे, डायरेक्ट ये टी टूल नहीं दबाओगे अभी, तो टी एक्टिवेटेड है, तो आप पहले पिक टूल लोगे, ये ख़त्म हो गया, फिर दोबारा टी लोगे, कहीं क्लिक करोगे पेस्ट कर दोगे, और अब ये पिक टूल दोबारा लोगे। अब देखो आप ये अयान जावेद को जो है ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जब आपने एक साथ लिखा था ना तो आप कलर देते तो दोनों पे एक कलर आता, अब ये कि दोनों पे अलग कलर आ सकता है। अब इस लेयर को सिलेक्ट कैसे करें, अयान को सिलेक्ट कैसे करें, कलर कैसे दें इसके ऊपर, एक तरीके ही, आप टी दबाओ, ये अयान के बीच में क्लिक करो, कंट्रोल ए करो, यहाँ से आप जो है वो कलर अयान का चेंज कर दो, फिर पिक टूल लो, बार बार पिक टूल लगा, ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, पर उसके लिए रेस्चुराइज करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो नहीं हो रहा, ये अब हो गया, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया दो बार तो ये सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद अब ये लंबा चक्कर है कि फिर आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करो, कलर बनाओ, ये सिलेक्ट करो, उसके बाद क्या करो, अल्टर बैक स्पेस करो या कंट्रोल बैक स्पेस करो, देखो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, इसमें कलर नहीं हो रहा लेकिन ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन होगा, ये भी एक टेक्स्ट फाइल है, अगर आप गौर से देखो टेक्स्ट फाइल है, इस पर राइट क्लिक करो, लिखा है रेस्चुराइज लेयर, रेस्चुराइज लेयर, अब आप देखो ये पिक्सल में कन्वर्ट हो गई, अगर आप कंट्रोल के साथ अब क्लिक करते हो अब ये सिलेक्ट होता है, अब ये कलर भी पकड़ेगा। अब उसके बाद देखो क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग करूँ, अब मेरे को इसे डिलीट करना है इस लेयर को, तो मैं अली रजा वाली लेयर पे हूँ तो मैं इस लेयर को पकड़ूंगा और यहाँ कचरे के डब्बे में छोड़ दूंगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सीधा राइट क्लिक करो डिलीट लेयर, और ये यस पूछेगा इसका, तो लेयर डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा टी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा न्यू लेयर बन जाएगी, अब देखो न्यू लेयर बन गई, लेयर वन, अभी इस पर लेयर वन लिखा आ रहा है, क्योंकि कुछ लिखा, मैं लिखता हूँ ए, क्या लिखा मैंने, ए, फिर पिक टूल दबा दी, फिर उसके बाद मैंने फिर ये टेक्स्ट टूल ली, मैंने लिख दिया एल, फिर मैंने पिक टूल दबा दी, फिर उसके बाद मैंने दोबारा टी पे क्लिक किया, अब मैंने आई लिख दिया, ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ। तो अब आप देखो ये सब जो है ना अलग अलग उठ सकता है, ए एल आई एल ई, ऐसे डिजाइनिंग से लिख सकते हैं। अब तीनों को एक साथ उठाना है तो मैंने आपको बताया था चेन लगा दूँ यहाँ से, ये आप चेन देख रहे हो,
मैंने तीनों की चेन लगा दी, ये लेयर देखो पहले आप, तीनों की चेन लगा दी, तीनों एक साथ होते हैं, कोई टेंशन नहीं। कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है ट्रांसफॉर्म के लिए, देखें आप ये, और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब इस पर कलर देना है, मैंने आपको क्या बोला कि अब देखो ये तीनों अलग अलग लेयर हैं, आपको अगर इन तीनों लेयरों को एक करना है, क्या करना है, चेन तो आपने लगाई हुई है, तो आप कंट्रोल ई दबाओगे ना, तो देखो क्या होगा, वो तीनों लेयर एक होगा, क्या हुआ वो तीनों लेयर। अब चेन लगाने की जरूरत नहीं है, आयान जावेद पे गए, अब ये अलग उठ रहा है जावेद ना, अगर आयान, अगर मैं इस पर चेन लगा दूँ ये दोनों भी, ये अलग, लेकिन अब आपने कंट्रोल ई दबाया ना, तो ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली के साथ मर्ज हो जाएगी। अब देखो आयान जावेद दोनों एक हो गए, अब आप अलग अलग इनका कलर नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, अब ये फिक्स हो गई। ये किया क्यों जाता है सर, हम लेयरें खोल के रखे हैं क्योंकि अब आप इसमें कोई चेंजिंग करोगे अब नहीं होगी, अभी सॉफ्टवेयर आपने बंद कर दिया, पीएसडी में सेव कर दिया, फिर पीएसडी फाइल ही खोली, आप विजुअल स्टूडियो कोड की तरह कंट्रोल अल्टर जेड करोगे, कंट्रोल जेड की वापसी नहीं आने वाला। तो सवाल ये कि सर हम ऐसा करते हैं, हम छोड़े रखे बाद में हमें ये जावेद लिखा हुआ इसका कलर चेंज करना है, तो फिर वो कैसे करेंगे, तो ये इसलिए करते हैं ताकि जब फाइनल हो जाता है ना प्रोजेक्ट, तो अपनी लेयरें हम मर्ज कर देते हैं, ताकि किसी को भी पीएचडी फाइल भी देना, वो हमारा काम नहीं देख सके कि हमने क्या काम किया, किस पे क्या चीज़ अप्लाई करी है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर के हिसाब से हम पूरा उसको कोड करके वेबसाइट के नहीं देते, उसको जस्ट डिज़ाइन देते हैं, तो हम भी पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो कहता है पीएचडी फाइल चाहिए, हम बोलते ठीक है हम उसको सबको मर्ज करके पीएचडी फाइल दे देना, ठीक है, ताकि वो हमारा काम नहीं देख सकते हमने कौन कौन से ऑप्शन अप्लाई किए, किस टेक्निक से काम किया। कंट्रोल अल्टर जेड इसमें वर्क करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप देखो सारी लेयर जो है वो वापसी आ रही है, सारा काम जो है वो वापसी आ रहा है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा लेयर्स पे काम करोगे उतना ज़्यादा फायदा, आप कम लेयर्स पे काम करोगे, देखो ज़्यादा लेयर पे काम किए ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर पा रहे हो, हर चीज़ की एक अलग लेयर होनी चाहिए, समझ रहे हो आप बात मेरी। और अगर आपको सबको ये करना है चेन लगानी है, तो फिर चेन लगा दो एक साथ उठेगा, कंट्रोल टी करोगे तो आप देखो अब तीनों को उसने एक साथ ही पकड़ लिया, अलग अलग नहीं पकड़ा, ठीक है, जबकि हमने अलग अलग लेयर्स बनाई हुई है। अभी आ गया, इंटर कर दिया, इंटर करना है इसको। अब आपने मुझसे सवाल पूछा था सर इसके पीछे हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं कोई, ठीक है, ये पूछा था आपने, तो मैंने कहा इस पर क्लिक करेंगे और हम यूं करके एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन लेकिन आपने न्यू लेयर लेनी है, अभी न्यू लेयर खुद ही बनी नहीं, न्यू लेयर नहीं आई, ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रोल डी किया ये चला गया, अब मैं बैकग्राउंड की लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है मान लो, और मैंने ये चकोर डब्बा लिया और इसको मैंने ऐसे ट्रैक किया, ठीक है, और इसमें कोई कलर भर दिया, ठीक है, और कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कि ये लेयर नहीं उठने वाली, क्यों, आपने न्यू लेयर नहीं बनाई, आपने बैकग्राउंड में वो देखो बैकग्राउंड दिख रहा आपको, आपने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया इसे, अब ये उठेगा ही नहीं डब्बा। तो कंट्रोल अल्टर जेड जेड, आपने ये जब चकोर डब्बा बनाया था ना, तो आपने एक न्यू लेयर ले लेनी थी, न्यू लेयर ले ली आपने, अब इसमें आपने कलर भर दिया, ठीक है, अब आपने कंट्रोल डी किया तो ये सिलेक्शन हट गई। अगर कंट्रोल डी आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ जाओ सिलेक्ट में, आपको दिखेगा डी सिलेक्ट, ये रहा कंट्रोल डी, ठीक है। अब आप देखो ये बॉक्स उठ रहा है, क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके नहीं बनाया था, हमने एक पहले जब बॉक्स को हमने स्केच किया तो एक न्यू लेयर यहाँ से बना ली, यहाँ से न्यू लेयर बनाई, और फिर हमने उस पर कलर भरा। कलर भरने के लिए अल्टर बैक स्पेस या तो कंट्रोल बैक स्पेस, और कलर्स ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कलर्स होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। अब ये देखो कंट्रोल बैक स्पेस, अल्टर बैक स्पेस, तो कंट्रोल टी जब हम दबाते हैं ना, तो इसको राइट क्लिक करके कुछ और ऑप्शंस भी हमारे पास आते हैं। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, ये पिक्चर्स के लिए होता है, पिक्चर यूँ तुम्हारा इस पोज में है, पिक्चर इधर देख रहे थे तुम, लेकिन जब फ्लिप करेंगे तो उधर पोज हो जाएगा, ये उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। इंटर करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये ग्रे आउट एरिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर इंसर्ट करने का देगा, ठीक है, कोई पिक्चर है अपने पास, ठीक है, चलो ये इसी लड़की की पिक्चर हम उठाते हैं, और देखो पिक्चर को कैसे लेके आते हैं इस जगह, ये ऐसे पिक टूल आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, ये पिक टूल दिख रही है आपको, इसको पकड़ के देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसको ऐसे छोड़ दो, और ये पीछे वाली है इसको आप बंद कर दो। अब आप देखो कि जो लड़की, अच्छा देखो ये लेयर पीछे है, यानी लेयरिंग को भी समझो आप, अगर आप इस लेयर को सबसे यहाँ ऊपर रख देते तो क्या होता है, देखो ये अब सबसे ऊपर है, ठीक है। अब वो अली क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कलर जो है वो सेम है, अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो अली दिखेगा आपको, देखना वो अली दिख रहा है, कलर सेम था, तो मैं ये काम करता हूँ अली को उठा के ऊपर रखता हूँ, ठीक है,
अब मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, लड़की किस तरफ देखेगी, उधर है ना। अगर मैं राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो आप देखो ये इधर हो। कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको करता हूँ परस्पेक्टिव, डिस्टॉर्ट, स्क्यू, रोटेट, स्केल। स्केल से बड़ा छोटा होता है, रोटेट से घूमती है पिक्चर, ठीक है। आप देखो इससे ये कोने पे आओ, मैं देखो गोल हो गया ये, देखो ये कैसे। अब देखो कॉर्नर पे भी आ रहा हूँ, सीधा एरो नहीं आ रहा बड़ा करने का, सीधा एरो आता है ना। अब देखो ये घूमने वाले ही एरो आ रहा है, तो आप कंट्रोल जेड कर दो एक बार, ठीक है, राइट क्लिक करो। अब देखो कॉर्नर पे यहाँ पर जाओ आप, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, तो अभी देखो ये, देखो ये सीधा भी हो गया, यहाँ आ रहा हूँ तो ये ऐसे भी हो गया, पहले नहीं हो रहा था, पहले दूर करो तो ये ऐसे गोल ही था करीब लाने, रोटेट पे दम। अब ये स्क्यू क्या होता है, आप देखो स्क्यू से क्या होता है, देखो आप कर्सर चेंज हो गया, देखो स्क्यू से क्या हो रहा है, ये अंदर दब रही है पिक्चर, ऐसा लग रहा है ये नीचे लेटी हुई है पिक्चर जो है ना, कहीं बोर्ड पे लगी हुई है, देखो ये, देखो ये नीचे लेट रही है उस साइड पर। कंट्रोल अल्टर जेड, सही है। अब कंट्रोल टी क्या, एक ऑप्शन है इसमें पर्सपेक्टिव, ये इससे देखो क्या होगा, ये यूं होती है, देखो देखो ऐसा लग रहा है कि पिक्चर जो है ना लगी हुई है यूं किसी दीवार पे, जो यूं जा रही है दीवार, है ना, ऐसा ही है ना। कंट्रोल टी राइट क्लिक, अब देखो आप ये डिस्टॉर्ट एक ऑप्शन है, डिस्टॉर्ट, ठीक है, देखो इससे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये देखो ये इस तरह के हम इफेक्ट्स पिक्चरों के क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक। देखो किसी बस वस पे चिपकानी है ना, कोई बस के पिक्चर पे पूरी चिपक जाएगी, बस होगी उसके, हम उस पर इसको ये डिस्टॉर्ट वगैरह करके देखो तिरछा कैसे कर दिया, ये ऑप्शंस होते हैं। तो कंट्रोल अल्टर जेड जेड जेड, ये देखा फिलिप वगैरह मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हैवी भी हो जाएगी। ये क्रॉप का ऑप्शन है, आप देखो नॉर्मल है, इस पर क्रॉप में क्या है, आपने सेलेक्ट किया, अब आपने अयान को सिलेक्ट किया खाली, ठीक है, सब ब्लर हो गया, और डबल क्लिक किया क्रॉप हो जाएगी। कंट्रोल अल्टर जेड मैंने अगेन दबाया, ठीक है। और कभी कभी इसमें एक फॉल्ट आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लोग फंस गए थे, देखो विड्थ और हाइट डाल देते हैं, मैं इस पर डाल देता हूँ 5 और यहाँ पर डाल देता हूँ 5, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ। अब हम क्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। अब हम क्रॉप करते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये फुल बड़ा नहीं हो रहा, अपनी मर्जी से हो रहा है, फ्रीली नहीं चल रहा है। देखो मैं इसको कह रहा हूँ यार बड़ा हो, मुझे जो है ना वो यूज़ करना है अयान को। कंट्रोल अल्टर जेड करते हैं, देखो अब मैं इसको अयान को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, अयान जावेद, देखो नहीं हो रहा, टूल देखो कैसे खींच रहा हूँ, हो नहीं रहा, क्योंकि आपने वैल्यू क्यों डाली, आपको वैल्यू नहीं डालनी, आपको वैल्यू नहीं डालनी, आपको वैल्यू नल रखना है, एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, ठीक है। अब आप क्रॉप सेलेक्ट करो, देखो अब आप अपनी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। और मैं अगेन ये आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे टी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ अली, लिख दिया मैंने दोबारा, ठीक है। अब आपने क्या किया, कंट्रोल टी किया और इसको आपने बड़ा किया और एंटर प्रेस किया, और आपने यहाँ से डिज़ाइंस ले लिए, डिफरेंट डिज़ाइन है ये आप ले सकते हो, ठीक है। एक अगेन एक पिक्चर उठाते हैं, मैंने आपको जो है वो डेस्कटॉप पे एडोब पिक्चर्स ये बनी हुई, ये नहीं थी, डाउनलोड्स करी थी हमने पिक्चर्स को, कहाँ चली गई, चलो ये पिक्चर उठा लेता हूँ, ये एक बड़ी पिक्चर थी। और मैं अगर आपको यहाँ बोलता हूँ टी, मैंने लिखा और लिख दिया यहाँ पर आया, ठीक है, और इस पर पिक टूल पे क्लिक करना है, कंट्रोल टी किया, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। और मैंने आपको बताया था क्लियर इम्बोस इनर बेवल, क्लियर इम्बोस इनर बेवल, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वापस उसको घासों पे रखोगे तो ये घासों पे, लेकिन आप पानी पे रखोगे, आसमान पे रखोगे, वाइट बादलों पे, इस पे, तो ये लेता रहेगा वैसे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ऑप्शन अब बता दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है, अब कई सारे आपने इफेक्ट डाले हैं तो फिर क्या होगा कि ये दिखने लग जाते हैं, तो आप इस पर क्लिक करो, इफेक्ट अंदर हो जाएगा, ठीक है। और एक और ऑप्शन मुझे याद आ गया, लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रोक पे क्लिक किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब देखो होगा क्या, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ इनर्शिया टू हो, सही है। अब मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया यहाँ पर, लेकिन उसका पैनल नहीं खुला, पैनल जब खुलेगा जब उसके आगे क्लिक करेंगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पर साइजेस वगैरह हैं, देखो ये साइज बढ़ रहा है इसका, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद देख लो। तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का मकसद था। और अगर आप इसको कंट्रोल एस करते हो तो बेटा ये पीएसडी में सेव हो रही है, देखो पीएसडी, पीएसडी का मतलब है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप
फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो एक फोल्डर आपने बनाना, उस पर आपको ये सेव करनी है, और उसके बाद आप दोबारा जब सेव करने जाओगे तो वो सेव कर नहीं देगा दोबारा, तो आपको सेव एज खोलना है, और उसके बाद यहाँ से आके टाइप जेपैक करनी है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे फोल्डर में सेव करना है। तो जेपैक वाली फाइल हम प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे अच्छी लग रही है, कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्ट हुआ तो पीएसडी वाली में जाके चेंज करेंगे, फिर उसको भी वहां से कंट्रोल एस करेंगे, वो रिसेंट चेंजेस हो जाएंगे, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एस करके जेपैक पे भी रिप्लेस कर देंगे उसे, तो वो रिसेंट चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है जी सर। तो अभी मैं एक इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो सेव एस खुलेगा, आप ऊपर देखो कंट्रोल एस करता हूँ तो क्या होता है, सेव एस फिर भी खुल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा, जब एक बार हम सेव कर देंगे चीज तो वो दोबारा सेव का ऑप्शन नहीं देता कंट्रोल एस से, वो सिर्फ सेव करता जाता है, तो दोबारा खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो फिर ये सेव एस खुलेगा। डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, इस बार इसको देखो यहाँ जे लिखूंगा, जे सर्च कर लेगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसका नाम को देखकर इंटर करता हूँ, ओके करता हूँ, और इन सबको जो है मैं बंद कर देता हूँ, और ये देखो आपकी आ गई पिक्चर, ठीक है आ गई। अब इसको आप राइट क्लिक करते हैं, स्टेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये लग गई, राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और कर देंगे क्या, शो डेस्कटॉप आइकन पर चेक हटा देंगे, आप इसको प्रीव्यू देख सकते हो, बाद में आप दोबारा जो अपना आइकन ला सकते हो।